हेलो एवरीवन, दिस इज मां साजिद। वेलकम बैक टू माय चैनल मां के एक्सपेरिमेंट एंड क्राफ्ट।
कागज़बाजी का नाइफ़। उसके लिए जैसा हम अपना नाइफ बनाने वाले हैं, हमने कार्डबोर्ड से उसी शेप का अपना नाइफ काट लिया है। और जो हमारे साइड के नाइफ़ हैं वो दोनों इक्वल हैं, और जो हमारा मिडल का नाइफ है उसको हमने नीचे से थोड़ा सा कट कर दिया है। और अब आपको करना क्या है, जो हमारा मिडल का नाइफ है उस पर फेविकोल लगा लेना है। फ्रेंड, जो हमारा मिडल का नाइफ़ है हमने उस पर अच्छी तरीके से फेविकोल लगा लिया है। और अब आपको अपने नाइफ़ को एक दूसरे वाले नाइफ़ पे पेस्ट कर देना है। अब आपको जो आपका थर्ड पीस है नाइफ़ का, और आपको इस थर्ड पीस को भी अपने नाइफ़ पर पेस्ट कर देना है। फ्रेंड, जो हमारा थर्ड नाइफ़ था वो हमारे इन दोनों नाइफ़ पे अच्छी तरीके से पेस्ट हो चुका है। और अब आपको चाहिए होगा कुछ इस शेप का कार्डबोर्ड जो कि हमने कट कर लिया है, और ये आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फ्रेंड्स, हमारे पास है कुछ इसी शेप का एक और कार्डबोर्ड जो कि आपको अपने नाइफ पे पेस्ट कर देना है। जो हमने कार्डबोर्ड कट करा था वो हमने नाइफ के दोनों साइड पर अच्छी तरीके से पेस्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, जो हमारा कार्डबोर्ड था वो अच्छी तरीके से पेस्ट हो चुका है। और अब आपको मैं रीज़न बताता हूँ जिससे कि जो मेरा मिडल नाइफ था उसको मैंने छोटा क्यों कट करा था। वो इसलिए कट करा था जिससे कि हम अपने नाइफ़ की अच्छी तरीके से शार्पनेस को बढ़ा सकें। और जो आपका नाइफ़ है आपको इसको कुछ इस तरीके से कर देना है, और इस पर टेप लगा देनी है। फ्रेंड्स, जो हमारा नाइफ़ है हमने इस तरफ इसके जो ऊपर साइड था उस तरफ भी टेप चिपका दी है जिससे कि इसकी शार्पनेस बढ़ जाए, और जो इसकी नीचे की साइड है उस पर भी हमने टेप चिपका दी है, और टेप इस पर अच्छी तरीके से चिपका दी है जिससे कि हमें कलर करने में भी आसानी होगी। और हमने यहाँ पे जो मैंने निशान लगा रखा, और यहाँ पे यहाँ आपको कलर नहीं करना है, उसकी वजह मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। और हमने यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरीके से टेप चिपका दी है क्योंकि हमें यहाँ पे भी कलर करना है, और इस साइड भी मैंने टेप चिपका दी है। आपको जो इसका अगला हिस्सा है उस पर आपको सिल्वर कलर का कलर करना है, और जो आपका पीछे वाला और ये साइड वाला हिस्सा है आपको इस पे ब्राउन कलर करना है। तो जल्दी से फटाक से अपने नाइफ पे कलर करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा नाइफ है हमने उस पे अच्छी तरीके से कलर कर लिया है, और हमने यहाँ पे करा है डार्क सिल्वर कलर, और यहाँ करा है थोड़ा लाइट सिल्वर कलर, यहाँ करा है ब्राउन कुछ कुछ चॉकलेटी सा, और यहाँ पे भी करा है ब्राउन कुछ कुछ चॉकलेटी सा, और हमने यहाँ पे ब्लैक टेप चिपका दी है। आपको ब्लैक टेप कहीं से मिल जाएगी, आप अपने नाइफ पे ऐसी ब्लैक टेप चिपका सकते हैं जिससे कि आपका नाइफ ज़्यादा अच्छा लगेगा।
सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कुरुल उस्मान ड्रामा में जो उस्मान गाजी हैं, अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी, आज हम उनकी शॉर्ट बनाने वाले हैं और हमने उनकी शॉर्ट के जैसे कुछ जैसी उनकी शॉर्ट है उस शेप के दो कार्डबोर्ड कट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, अब हमारे पास हैं आइसक्रीम स्टिक जो कि हम अपनी एक शॉर्ट पर अच्छी तरीके से पेस्ट कर देंगे जिससे कि हमारी शॉर्ट हिले नहीं और एकदम स्ट्रेट रहे। फ्रेंड्स, जो हमारी उस्मान गाजी की तलवार जो है हमने उस पर अच्छी तरीके से आइसक्रीम स्टिक पेस्ट कर ली है और अब हमारे पास है फेविकोल जो कि आपको अपनी पूरी शॉर्ट पे अच्छी तरीके से लगा देगी। फ्रेंड्स, जो हमारी शॉर्ट थी हमने उस पर अच्छी तरीके से फेविकोल लगा लिया है और हमारी शॉर्ट का जो दूसरा पीस है आपको अपनी इस वाली शॉर्ट पर पेस्ट कर देना है। फ्रेंड, जो हमारी दूसरी वाली शॉर्ट थी वो भी अच्छी तरीके से जो है इस पे पेस्ट हो चुकी है और अब हमारे पास हैं कुछ इस तरीके के पीसेज और मैं अब आपको बता देता हूँ ये आपको किस तरीके से चिपकाने हैं। हमारे पास है जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक अलग पीस, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से अपना पीस पेस्ट कर देना है और अब हमारे पास है इस तरीके का पीस जो कि यहाँ से आगे 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 तक का है, वो भी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और हमारे पास है कुछ इस तरीके का पीस जो कि आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे हमने इस तरफ पेस्ट करा है वैसे ही आपको दूसरी तरफ ये जो पीस बच रहे हैं उनको पेस्ट कर देना है। फ्रेंड्स, जो हमारी शॉर्ट थी वो अच्छी तरीके से पेस्ट हो चुकी है और हमने अपनी शॉर्ट पे यहाँ दो आइसक्रीम स्टिक को बीच में से कट करके लगा दिया है क्योंकि जो उस्मान गाजी की शॉर्ट है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से ही है और हमने इस पे टेप चिपका दी थी जिससे कि हमारी शॉर्ट छूटे ना, अच्छी तरीके से चिपक जाए। और अब हम इसकी शार्पनेस को बढ़ाएंगे। शार्पनेस बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे पेपर टेप की जिस पे हम आसानी से कलर भी कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी शॉर्ट पे पेपर नहीं चिपकाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और मतलब पेपर और या फिर आप पेपर टेप भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों एक ही काम करते हैं। और आपको पेपर टेप को कुछ इस तरीके से इस पे पेस्ट कर देना है जिससे कि हमारी तलवार की शार्पनेस बढ़ जाए। तो अब हम अपनी पूरी तलवार पे यहाँ से यहाँ तक पेपर चिपका लेंगे। फ्रेंड, जो हमारी शॉर्ट थी हमने उस पे अच्छी तरीके से पेपर टेप को पेस्ट कर दिया है। और हमने अपनी शॉर्ट की अच्छी तरीके शार्पनिंग भी बढ़ा दी है, हमने यहाँ पेपर टेप चिपका दी थी और उसको अच्छी तरीके से यहाँ से प्रेस कर दिया है जिससे कि ऐसा लगे ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है। और अब हम इस पर करेंगे कलर। तो आपको जो यहाँ से यहाँ तक आपको करना है गोल्डन और जो यहाँ से यहाँ तक है आपको करना है यहाँ ब्लैक, लेकिन हम यहाँ ब्लैक कलर नहीं करने के, हम यहाँ चिपकाएंगे ब्लैक टेप। और आपको जो ये आगे का वाला आपका शॉर्ट का हिस्सा है आपको यहाँ पर करना है सिल्वर कलर। तो हम जल्दी से इस पर कलर करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी शॉर्ट थी हमने उस पर अच्छी तरीके से कलर कर लिया है, हमने करा है यहाँ गोल्डन कलर और यहाँ हमने चिपकाई है ब्लैक टेप और यहाँ हमने करा है कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लाइट सिल्वर कलर और हमने जो इसकी धार है जिससे कि ऐसा लगे जैसे हमने अपनी शॉर्ट पे धार लगा रखे और हमने यहाँ पर करा है डार्क सिल्वर कलर। तो हमारी शॉर्ट बन के तैयार है, कलर भी अच्छी तरीके से सूख गया है और हमारी शॉर्ट एकदम तैयार है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।